बिग बैंक्स और एजेंट्स के थ्रू जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कमीशन भी इन्वॉल्व होता है, बट ग्रो पे नो कमीशन। जब इन्वेस्ट करना हो तो डाउनलोड ग्रो। ये होंगकोंग में पब्लिक गैदरिंग की धज्जिया उड़ाने वाली तस्वीरें हैं। ऐसा लगता है कि 426 वर्ग किलोमीटर में फैले होंगकोंग में कोरोना महामारी का कोई डर ही नहीं बचा। अभी चार दिन भी नहीं हुए, होंगकोंग ने कोरोना वायरस राहत पैकेज के लिए $17.7 बिलियन जारी किया। और ये देख लीजिए, कोई ऐसी जगह ही नहीं बची जहां पर होंगकोंग के लोगों ने ईस्टर ना मनाया हो। समुद्र के किनारे पर जमा होकर लोगों ने ईस्टर मनाया। बाजारों में एकजुट होकर लोगों ने ईस्टर मनाया। होटल्स और दुकानों पर इकट्ठा होकर लोगों ने ईस्टर मनाया। ऐसा लग रहा था कि होंगकोंग के लोगों को कोरोना वायरस से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोरोना वायरस ने होंगकोंग को कोई नुकसान न पहुंचाया हो। होंगकोंग में COVID-19 संक्रमितों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है और चार लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 29 मार्च से ही यहाँ सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन ईस्टर के उत्साह में लोगों ने सब कुछ भुला दिया। होंगकोंग में 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगी है, फिर भी लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोरोना संकट को देखते हुए यहां 1 साल के लिए 10% की वेतन कटौती का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सरकार 6 महीने के लिए श्रमिकों के वेतन का 50% भुगतान करेगी। होंगकोंग में पहले से ही हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों से अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ था। ऐसे में कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर भारी असर देखने को मिल सकता है।